हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका। अभी 10 बज रहे हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह सब मैं बना के बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। आज मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ सुबह, क्योंकि लेट से मैं अपने आप उठी थी, तो मैं जल्दी जल्दी करके बच्चों को भी स्कूल भेज तो दी हूँ, कहीं स्कूल लेट ना हो जाए। इस वजह से कुछ भी सूट नहीं की थी, वो लोग स्कूल चले गए हैं प्रेम से। और अभी देखिए, मैं खाना बना रही थी, मिक्स वेज आलू और गोभी की सब्जी, बीन्स भी डाला हुआ था मैंने इसमें। बिल्कुल ही सादे तरीके से सब्जी बना रही थी। ज़रा सा अगर 5-10 मिनट लेट हम उठते हैं तो यही होता है दिक्कत। जल्दी जल्दी किसी तरह तैयार करके उन लोगों को तो भेज दिया, क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी वही सब दोनों बच्चे ही हैं यहाँ पर। अभी मैं इस पर टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को भी थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि भूनने से ही जल्दी गल जाएंगे। अब बिल्कुल एक ही टमाटर डाली हुई हूँ, क्योंकि ज़्यादा तरी ग्रेवी वगैरह कुछ भी बनाना नहीं है मुझे। ये देखिए, मसाला हम पीस के रखे हैं सिलबट्टे पर ही पीसे हुए, क्योंकि मिक्सी पे अभी हम फिलहाल कुछ दिनों से मसाला नहीं पीस रहे, क्योंकि मिक्सी का टेस्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। बहुत दिनों से मिक्सी हम छोड़ चुके हैं, सिलबट्टा खरीद लिए हैं। ये मेरा सिलबट्टा भी नया नया ही है, जो कि हम अभी यूज में ला रहे हैं। और ये देखिए, मसाले सारे भून गए हैं, मसाला भून के तेल भी छोड़ दिए। हम हल्का सा पानी डाल देते हैं इसमें, और इसका जो क्या बोल रहे हैं टमाटर है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते ताकि वो ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिए हैं। दाल तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, इसीलिए हम उसमें तरी है बिल्कुल कम रखेंगे। और कोई तो सब्ज़ी खाएगा नहीं, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। धनिया पत्ता डाल दूँगी इसमें। अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, और ये इन लोगों के दादाजी मेरे ससुर जी ला दिए थे बच्चों के लिए। दोनों एक एक पीस अपना बांट के खा रहे हैं। आज बच्चों ने तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, दोनों ने घुमा के लेते आए थे दोनों। ये देखिए, छोटू तो डायरेक्ट खसका दे रहा था कि मुझे नहीं खाना ये सब नाश्ता, उसे तो भाई बस बढ़िया सा सब्जी रोटी चाहिए तभी वो खाएगा, हेल्दी नाश्ता करता है, उसको ये सब नहीं पसंद है। ये सारी चीज़ आइटम मिल जाए तो वो बड़े प्रेम से खाता है। आजकल तो कुरकुरे का इतना आइटम निकल चुका है बाजार में, इतना सारा आइटम, नाम भी भूल जाओगे क्या क्या नाम रहता है। ये देखिए, लेकिन इसका हम एक टेस्ट किए थे, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन हम लोग के टाइम में तो सिर्फ लाल वाला कुरकुरे ही रहता था, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट भी है। और ये देखिए, दोनों भाई का नौटंकी, यही है मेरे घर का महाभारत। स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं ला जाएंगे, आज आप लोगों को ऑन द कैमरा दिखा रहे हैं। देख लीजिए कितना रो रहा है। अभी हम इसका रियल वॉइस देखते, बहुत डेंजर है ये तो। अभी इतना ज़ोर से कूदेगा कि जाके छत ऊपर जाके छुप जाएगा। देख लीजिए इतना रोता है बेचारा, अभी भी रो रहा है, अभी भी रो रहा है। बस देखिए, अभी बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन हम इसको बोल रहे थे कि हम घर घुसने नहीं देंगे, तुम जाओ जाओ तो जाओ। ये देखिए बकु कितना आगे चला गया है। वो लोग को मैं भेज करके आ गई थी अपने बारी में, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना जो हम बीन्स को रोपे हुए हैं उसका। ये सबका खेती में पहली बार की हुई हूँ। ये देखिए, कुछ मटर के दाने हमने बोए हुए थे, मटर उग गया है, पता नहीं होगा कि नहीं, इस तूफान ने तो सब कुछ मेरा उजाड़ के रख दिया। और ये है चना, हरा चना, ये देखिए खाने में कितना मज़ा लगता है। और ये है धनिया, जो कि छोटा छोटा भी उगा हुआ है, धनिया पत्ता, कोरिएंडर, कुछ भी कहिए। और साइड साइड में कुछ हम लगाए हैं पपीता, 15-20 के करीब है। और ये देखिए, ये है अमरूद का पेड़, और इसी के ऊपर हम सेम का जो लार है उसको चढ़ा दिए हैं। ये भी अब मेरा सब्जी बनने लायक हो गया है, इसको भी तोड़ेंगे एक आध दिन और सब्जी बनाएंगे। जो अमरूद है ना, इसमें एक ही दो फल फलता है, अमरूद फलता है, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा रखता है।
क्वांटिटी कम हो सकता है लेकिन क्वालिटी अच्छा है। देखिए अभी हम यहाँ पर एक पीस तोड़े हुए हैं, कितना बड़ा बड़ा है इसका साइज, बहुत बिग साइज का है ये। ये ना कलमी का मतलब पेड़ था, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया है। ये देखिए आलू का फूल, हमको तो पहले लगता था कि आलू का फूल होता ही नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, आलू का भी फूल होता है। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है इसीलिए मैं अभी बच्चों को भेज करके अभी पटा ले रही हूँ बारी को, क्योंकि सुबह फिर हम जा सकते हैं स्कूटी लेकर के सीखने के लिए। ये देखिए अभी शाम हो चुका है, ये सब हटा लो ना बेटा, छोटू बैठ चुका है अपना गृह कार्य करने के लिए, होमवर्क जिसको बोलते हैं। क्या लिख रहा है छोटू? बच्चों का इतना बोझ हो जाता है ना, चंद्र बिंदु की स्कूल मात्रा ट्यूशन वाला सब दोनों जगह मैनेज करना। चलो पढ़ो, तो मैं कर पाँच लेकिन कोई नहीं, करते ही है, सारे बच्चे कर रहे हैं। क्या है बेटा उसका अभी नीचे का वाला जो जमाना है वो ऊंट, बहुत इसको अच्छा फास्ट से चल देखो, रहा है, ऊ में चंद्र तो बिंदु बच्चे देते भी हैं उसी ना, के अनुरूप होने इसको चाहिए, मिटाओ, तभी तो ऊ हम में तो जमाने चंद्र के साथ बिंदु, चलेंगे। हमारे तुम जमाने ट में में ऐसा दे होता दिया था था कि चलो 8-9 साल अच्छा तक की उम्र तक हम लोग खेलते से। क्या रहते लिख थे रहा है मुंह से? हाथ और हटाओ, खेलने में इतने बिजी पढ़ो रहते थे कि पढ़ो, पढ़ाई क्या भूल लिख रहा जाते है? थे। लेकिन अभी के बच्चे तो पैटर्न 3 साल के नहीं अच्छा होते हैं कि LKG और अच्छा UKG। यहाँ बक्कू पैटर्न बना रहा था, इंग्लिश में मैथ्स में, और हम इधर छोला उबलने के लिए रख दिए थे। थोड़ा सा अगर आप छोला बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है और बहुत मज़ा लगता है। बस थोड़ा सा इधर हम इन लोग से नज़र हटा कि दुर्घटना घटा, तुरंत इन लोग अपना अपना रूप में आ जाता है। हल्ला तो इधर उधर का बात, मेरा मसाला यहाँ भून जा चुका था, अभी हम छोले को डाल दिए हैं। बिल्कुल कम मसाला का खाना बनाते हैं क्योंकि थोड़ा मोड़ा अगर छोटू खाता है तो उसको ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख लीजिए तुरंत तुरंत अपना नौटंकी करने लगता है। बस खाली हमको यहाँ से हटना चाहिए, अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर ठीक है। देखिए अभी पूरा साइड होके बैठ जाता है, आप तो बोले हैं। और यहाँ देखिए ये अपना कॉपी दिखा रहा था कि मम्मी हम तो आज से घटाव सीखने लगे हैं, फॉरवर्डिंग काउंटिंग 100 तक ये सीखे है शायद। देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, ये देखिए इसका रिजल्ट लगभग कुछ ठीक ही है, लेकिन इधर और ख़राब है। ये देखिए 1 आया है। जहाँ इसका गुड आता है इसको दिखाने में बड़ा मज़ा लगता है, हाँ जिस जहाँ कम आएगा वहाँ पीछे कर देगा। देखिए देखिए बोल रहा है, जबरन मुझे देखना पड़ रहा है। अभी हम छोला को पूरा तरीका से बना लिए हैं, ये बिल्कुल फिट एंड फाइनल है, खाने के लिए तैयार है, रेडी है। इसके बाद हम आटा लगा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मोयन डाले हुए हैं, अजवाइन डाले हुए हैं, और गर्म पानी डाल करके इसको हम अभी एक डो बना लेंगे। और आज हम एक बेहतरीन सा टेस्टी रेसिपी बनाएंगे जिसको कि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उसका नाम है पापड़ी। ये देखिए इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पूड़ी जैसा बेलना है छोटा छोटा, और उसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देना ताकि वो फूले ना। और मोयन डाल के जब हम इसको सानते हैं तो फिर देख लीजिए इसका इतना ये क्रिस्प बनता है, इतना अच्छा लगता है ये खाने में। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, हम इसे तोड़ के दिखा रही है, तुरंत टूट जाता है। और ये खाने में इतना मज़ा लगता है कि मत पूछिए, बच्चे को तो बहुत पसंद आता है। जो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल को। थैंक यू।